Assalamualaikum everyone, this is Bilal। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लैपटॉप कूलिंग पैड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। ये मैंने दरा से बाई किया है 1400 का। अगर आपने भी बाय करना हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई क्या लैपटॉप का टेम्परेचर को ये कम करता है, क्या फ़ायदा होता है इसका। करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सो यहाँ पे लैपटॉप कूलिंग पैड आ चुके हैं, ठीक है। सामने ये मॉडल लिखा हुआ है N182, ठीक है। और अगर पीछे की बात करें तो पीछे आपको स्पेसिफिकेशन दी गई है, ठीक है। ये आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फीचर्स कुछ दिए गए हैं, अनबॉक्सिंग करते हो। सो यहाँ पे एक हमें कूलिंग पैड देखने को मिल जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक हमें USB केबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फ्रंट पे आपको दो क्लिप दिए गए, दो फैन मिल जाते हैं, ठीक है। साइडों की बात करें तो यहाँ पे आपको दो USB पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर का बटन मिल जाता है, ठीक है, ऑन ऑफ का, ठीक है। तो हम इसे चला के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे USB पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ इसके अंदर आपने अटैच करनी है और यहाँ पे आपने लैपटॉप पे अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस लैपटॉप पड़ा हूँ, अपने लैपटॉप के साथ इस पैड को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टील का जार देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो साइड है ये आपको प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 3 एलिवेशन के लेवल मिल जाते हैं, जो कि आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक हो गया। फैन की बिल्कुल आवाज़ साउंड लेस है, इतनी आवाज़ नहीं करता। क्वालिटी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हद तक ये टेम्परेचर को गिराता है। यानी कि अगर मेरे लैपटॉप के टेम्परेचर की बात की जाए तो नॉर्मल जो टेम्परेचर था 58 टेम्परेचर था, और जब मैंने इसको साथ लगाया अपने लैपटॉप के साथ तो मेरा टेम्परेचर 53 से 54 तक चले गया था। तो काफ़ी नीचे आ गया था टेम्परेचर, फ़र्क बहुत पड़ जाता है। तो अगर आपने भी लेना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।